अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में मजलिस बचाओ तहरीक के हल्के याकूतपुरा के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान साहब अपनी शिकस्त के पीछे की साजिशों का एक खुलासा करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुखालिफ जमात पुलिस के साथ मिलकर वहां पर एक वसी पैमाने पर एक बड़े पैमाने पर वहां पर बोगसिंग की और रिगिंग की। खैर, ये बात शहर का बच्चा बखूबी जानता है कि वहां पर एक बड़े पैमाने पे रिगिंग हुई और बोगसिंग भी हुई। उसके बाद नतीजे आए और मुखालिफ जमात की जीत हुई, लेकिन वो जीत के बाद कोई जश्न मनाया नहीं गया। वो जीत के बाद एक मातम का माहौल था, उलों के चेहरों पे एक उदासी थी, उनके दिल में गम था, एक खौफ था, और वो ये समझ गए के शहर हैदराबाद के हल्के याकूतपुरे से एक इनकलाब बरपा हो चुका है। और ये इनकलाब सिर्फ याकूतपुरे तक महदूद नहीं रहा, ये इनकलाब अब शहर के कोने कोने में चला गया। इंतखाबात के रोज जिस दिन नताइज आ रहे थे, उस दिन सारे शहर में अमजदुल्ला खान की ताईद में वहां पर दुआएं की जा रही थी। वो आवाम ये चाह रही थी कि एक बदलाव चाहिए, एक इनकलाब चाहिए, आवाम को ये बदहाली से, ये मुफलिसी से, ये गुर्बत से आजादी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं वो तमाम वोटर्स का, 47,000 वोटर हल्के याकूतपुरे के, कि आप लोगों ने एक इनकलाब बरपा कर चुके हैं हैदराबाद में, और ये इनकलाब बड़ी दूर तक जाएगा। मैं अमजदुल्ला खान साहब को बस ये कहना चाहूंगा कि कुछ हार जीत से भी बड़ी होती है साहब। आपको कोई एमएलए का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन आज आप शहर हैदराबाद की आवाम के दिलों में हैं और उनकी दुआओं में हैं। आज आपको शहर हैदराबाद की आवाम दिल से ये तस्लीम कर चुकी है कि आप एक हमारे एक सच्चे रहनुमा है, रहबर है, आपको ये मान चुकी है। तो मैं यहां पर आपसे एक अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि भाई रियासत में या फिर मरकज में जो भी आने वाले जो इंतखाबात है, वो पार्लिमानी इंतखाबात हो या फिर बल्दी इंतखाबात हो, उसमें आप यही जोश व खरोश, वलवले के साथ, यही जुनून के साथ आप मैदान सियासत में डट कर रहिए। आपके साथ शहर हैदराबाद की आवाम शाना बशाना होकर आपको यहां से कामयाब करेंगे, आपको कामरान करेंगे। आवाम इस बात का आपको तहक्कुन देती है कि आप यहां से कामयाब होंगे। तो बराए करम मेहरबानी, आप आने वाले इंतखाबात में अपनी कमर कसकर मैदान सियासत में आइए। उसके बाद जितने भी यहां आपके कारकुन हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके हमदर्द हैं, आपके खैरखा है, वो सब आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।